जिले के पोड़ैयार थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथपुर स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में शुक्रवार की देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा बैंक परिसर में खिड़की के सहारे आग लगा दी गई। इस बाबत पोड़ैयार थाना में मामला दर्ज कराया गया है। वहीं ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर सुनील कुमार ठाकुर ने बताया कि इससे बैंक को करोड़ों की नुकसान हुई है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। पूरा जला दिया है। ऐसे अभी आपको शक किस पर है? प्राइमा फेसिया क्या आप लोगों ने पाया? अभी हम लोगों ने तो अभी किसी को शक नहीं कर चुकी। इतने लोनी है, 10,000 हमारे लोनी है और जा करके सेविंग बैंक खातेदार है, तो हम उसमें किसी को लोकेट नहीं कर सकते कि कौन हो सकता है। कितने दिनों से बैंक चल रहा था यहाँ पर? अभी करीब करीब 20 वर्षों से बैंक चल रहा है। कितना नुकसान हो गया होगा तकरीबन? अभी तक हमको लगभग लगता है कि अगर लोन को हम जोड़ लें तो करोड़ों से ऊपर का नुकसान हुआ, और संपत्ति जो है सो लगभग 50 लाख के लगभग हमारा नुकसान हुआ है। सर आपका सुनाम क्या और क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर, मैं रीजनल मैनेजर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक गुड्डा साहेबगंज और पाकुड़ देखता हूँ। हमारी 52 शाखाएँ हैं, इसका कंट्रोलिंग ऑफिस यहीं पर है गुड्डा में, जिसका मैं कंट्रोलर हूँ। ओके, थैंक यू। लगभग 3 से 4 के बीच में जब धुआं हो रहा था, लोगों ने बताया, फोन किया गया, वो ऐसे ऐसे बैंक में धुआं। सबसे पहले हम लोगों को मन में ये हुआ, हो सकता है शॉर्ट सर्किट हुआ हो। रस्सी में आ गया। बहुत ठीक है यहाँ, लेकिन सीलिंग गर्म हो गया सर, दीवार सर। हाँ मामा जी, अखन अपनी बैंक